नीलूज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पालक की बहुत ही टेस्टी दो रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही उसके साथ खाई जाने वाली लाजवाब सी चटनी लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल नई और अनोखी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बंच पालक धुली हुई। इसे हम ब्लांच करेंगे। तो पानी हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था, और जैसे पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। और इस गर्म पानी में पालक को अच्छे से डुबोकर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, यह अच्छी ग्रीन कलर की हो जाएगी। तब हमें इसे निकाल लेना है और इसे ठंडे पानी में डाल देना है। इससे इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगी और पालक जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब हमें इस ठंडे पानी से भी इसे निकाल लेना है, और एक प्लेट में निकाल कर हमें बाकी सारी चीज़ें डालकर इसे पीसना है। तो यहाँ मैंने ली है ब्लांच की हुई पालक, 1 कप हरा धनिया, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च ली है तीखी वाली, और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली है। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर के जार में डाल देना है। साथ ही लेंगे 1 टीस्पून जीरा, और इसे हमें पीसना है। पीसते वक्त हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही इसे पीसना है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। इसे हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनने तक पीसना है, ग्राइंड करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसकी जो पेस्ट है वो बहुत ही ग्रीन कलर की हो चुकी है। अब यहाँ हम लेंगे 2 बड़े कप 2 बड़े बोल आटा, गेहूं का आटा है ये। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। सॉल्ट डालेंगे हमारे टेस्ट अकॉर्डिंग, मैंने 1 टीस्पून डाला है भरकर। साथ ही इसमें डालेंगे हम पीसी हुई पेस्ट, जो हमने ग्रीन कलर की अभी पालक की जो पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ डालेंगे जिससे पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पर उबला हुआ 1 बड़ा आलू लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मैश करके या फिर कद्दूकस करके डालेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठलियाँ ना रहे। और इसे हमें पहले मिक्स करना है, और हाथों से ही मिक्स करते हुए आटा लगाना है। अगर आटा ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटा गूंदना है। कोशिश यही करें कि जो आपकी पेस्ट है उसी में ही आटा बन जाए। अगर ड्राई लगे तो थोड़ा पानी ऐड करें। अब हमें इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से चिकना कर लेना है, और अच्छे से मसल मसल कर इसका आटा रेडी करना है। तो ये देखिए, हमने आटे को अच्छे तरीके से मसल लिया है, और ये हमारा पालक वाला आटा तैयार है, जो कि बहुत ही चटपटा, तीखा और बहुत ही टेस्टी वाला। अब हम इसके पहले पराठे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा पेड़ा ले लिया है। इसे हम पहले पूड़ी के आकार का बेल लेंगे। इस पर लगाएंगे अच्छे तरीके से तेल और सूखा आटा। ये जो ट्रिक है बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पराठे को फुलाने के लिए। तो देखिए, हमने इसे फिर से फोल्ड किया है, हाफ मून बनाकर इसके ऊपर फिर से तेल और आटा डस्ट कर रहे हैं, और इसे ट्रायंगल शेप दे रहे हैं। आज हम ट्रायंगल शेप वाले पराठे बना रहे हैं, और जो ट्रिक हमने इस्तेमाल की है इससे पराठे बहुत अच्छे फूलेंगे, और सारी जो परतें हैं वो अलग अलग होंगी। तो देखिए, पहले आपको सारे किनारों पर बेलन चलाना है, और जैसे जैसे इसके किनारे अच्छे से बेल जाए, तब आपको इसके एजेस के ऊपर बेलन चलाना है। इसे इसका जो शेप है वो परफेक्ट ट्रायंगल शेप का आएगा। अब हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पर गरम तवे पर हमें अलट पलट कर इसे सेकना है, और इसके ऊपर हमें तेल, बटर या घी, जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। और देखिए, जैसे ही हमने इसे पलटा है तो ये किस तरीके से फूलने लगा है, और इसकी जो परतें हैं वो भी अलग होने लगी है। मैंने इस पर तेल लगा दिया है, और दूसरी साइड भी इस पर तेल लगाकर इसे सेकूंगी। आप देख सकते हैं पराठा काफ़ी अच्छी तरीके से फूल रहा है, और इसमें जो हमने आलू डाला है उससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो परतें हैं वो किस तरीके से अलग होंगे। और
बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और चटपटा ये पराठा लगता है। ये देखिए, आप नज़दीक से देख सकते हैं पराठे का टेक्सचर कितना सॉफ्ट है। और देखिए, मैं अभी परत को भी उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, सारी परतें अलग हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठा बना है। अब मैं आपको दूसरा वाला पराठा भी सीख कर दिखाती हूँ कि ये भी किस तरीके से फूलेगा। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस ट्रिक से हम ये नाश्ता बना रहे हैं या जो पराठा बना रहे हैं, इससे चाहे पराठे हो या पूरियाँ, बहुत अच्छी तरीके से फूलेंगे। ये देखिए, दूसरा पराठा भी काफ़ी अच्छी तरीके से फूल चुका है और इसकी भी जो परतें हैं वो भी अलग हो चुकी हैं। बहुत ही करारा, टेस्टी, हरा भरा हमारा ये पराठा बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसकी पूरियाँ भी बनाकर दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर पूरियाँ बना लें और इसे इस तरीके से फ्राई करें, और देखिए फ्राई करते वक्त ये किस तरीके से गुब्बारों की तरह फूलने लगी है। और ये भी काफ़ी सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुलने वाली पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पूरियाँ बनाइए, बड़ों के टिफ़िन में अगर आपको देना है तो आप पराठे बनाइए, दोनों काफ़ी खुश हो जाएंगे। मैं आपको दूसरी वाले भी पूरी मतलब डालकर दिखाती हूँ तेल में, ये भी किस तरीके से फूलने लगेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये दोनों तरीके का नाश्ता तैयार होगा। अब मैं इसके साथ खाए जाने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चटनी की रेसिपी भी लेकर आई हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको पूरी का जो टेक्सचर है वो दिखाती हूँ। ये कितनी सॉफ्ट, कितनी मुलायम बनी है, यकीन मानिए इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर हम चटनी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये देखिए, हमने एक बैंगन ले लिया है, इसे अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। भूनने के बाद इसके छिलके हम निकाल लेंगे और इसे हम खोल लेंगे। यहाँ पर आपको खोलकर पहले देख लेना है कि ये ख़राब तो नहीं है, क्योंकि कभी-कभी बैंगन अंदर से ख़राब भी निकलते हैं। अच्छे तरीके से चेक करने के बाद हम इसे मैश करेंगे। यहाँ पर आपको मिक्सी में मतलब डालकर पीसना नहीं है, हाथों से ही मैश करना है। देखिए हमने चम्मच से किस तरीके से इसे मैश किया है, इसी तरीके से मैश करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ या लम्स ना रहे। अब लेंगे 1 कप दही। दही में हम ये बैंगन डाल देंगे जो हमने भून कर रखा हुआ था, मैश करके रखा है। इसी के साथ डालेंगे हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक। आप यहाँ पर प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बारीक कटी हुई। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब तक बैंगन दही के अंदर मिक्स नहीं होता, तब तक इसे मिक्स करेंगे या मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसका टेक्सचर आप देखिए कितना स्मूथ, कितना वेलवेटी हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी, ये हमारी नई तरीके की चटनी बनकर तैयार होगी। इसमें हम डालेंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल। इसमें डालेंगे हम राई आधा टीस्पून और जीरा आधा टीस्पून। इन दोनों को अच्छे से तड़कने देना है। और इसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च, सॉरी सूखी लाल मिर्च। यहाँ आप आपकी इच्छा अनुसार सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और साथ ही डालेंगे करी पत्ता। और गैस के फ्लेम को बंद करके हम इस तड़के को डालेंगे हमारे चटनी के ऊपर। बहुत अनोखी, टेस्टी ये लाजवाब चटनी आप पूरी या पराठों के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें होंगी। तो ये जायकेदार नाश्ता आपको कैसा लगा, जो बिल्कुल अनोखा है? इस ठंड में आप इस तरीके का नाश्ता ज़रूर बनाइए। बनाने के बाद हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।